हेलो दोस्तों, टेक्निकल आमिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मूविंग कैप्सूल का मोड इंस्टॉल करने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको ऐसा कीजिए। ऐसा करने बाद ऐड ऑन का एक फोल्डर आएगा, इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मार्स में जाइए, उसके बाद अपडेट XCC4 DLC पैक्स, उसके बाद एक्शन के वो फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ कैप्सूल का एक फोल्डर दिख रहा है ना, उसको GTFI DLC पैक्स पर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद ओपन एवी को ओपन कीजिए। ओपन एवी ओपन होने के बाद एडिट मोड पर क्लिक कीजिए, यस। उसके बाद मार्स में जाइए, उसके बाद अपडेट update.rpf कॉमन डाटा, उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC लिस्ट XML का टेक्स्ट दिख रहा है ना, उसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद कौन से बैक टेक्स्ट को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद लास्ट में पेस्ट कीजिए। लास्ट में पेस्ट करने के बाद इतना कट कीजिए। इतना कट करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना होगा CAPSULE। कैप्सूल टाइप करने के बाद सेव कीजिए। तो दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTFI ओपन करने के बाद आप कौन सा भी ट्रेनर से इसे स्पॉन कर सकते हो। यहाँ आपको मैन्युअली टाइप करना होगा। आपको टाइप करना होगा CAPSULE, एंटर कीजिए। तो दोस्तों, हम देख सकते हो कैप्सूल आ चुकी है। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।